नमस्कार प्रिय साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको वास्तु से संबंधित पांच ऐसी बातें जो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है और जिन पॉइंटों पर गलती करने से कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पांच ऐसी बातें बताऊंगा। जैसे जब भी आप पानी पियो तो आपका मुख कोशिश करें उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में उत्तरीय ध्रुव में चुंबकीय क्षमता होती है जिसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव पड़ता है। इसको विज्ञान भी और शास्त्र भी दोनों बिल्कुल 100% प्रूफ कर चुके हैं। बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर, आपके दिमाग पर पड़ेगा और दिमाग से ही जीवन चलता है। दिमाग पर नेगेटिव प्रभाव जाने से, माइंड डिस्टर्ब होने से व्यापार और टोटल चीज़ें व्यक्ति की डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत छोटी सी बात है कि आपके घर में रसोई घर यदि सही दिशा में नहीं है, अग्नि कोण में नहीं है, अग्नि कोण से मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना, अन्यत्र कहीं भी है तो आपके रसोई घर के अग्नि कोण में एक लाल रंग का बल्ब जला दें, इससे जो वास्तु दोष है वह समाप्त हो जाएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों विषय में आगे बढ़ते हैं। जब भी आप भोजन करें तो प्रयास करें आपका मुख दक्षिण की तरफ कम से कम ना हो। आप घर के दक्षिण पश्चिम कोने में आपकी उपस्थिति उस समय ना हो, आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। अब भोजन तो आदमी दिन में दो या तीन बार करता है और यहाँ पर गलती होने से इसका प्रभाव, इसका सीधा प्रभाव आपके कहीं ना कहीं दिलो दिमाग पर जाएगा। प्रिय साथियों, घर के अंदर लैट्रिन और बाथरूम पूर्व और उत्तर दिशा में होना परिवार के सर्वनाश का कारण बनता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वास्तु दोष है, इसलिए आपके मकान में दोनों चीज़ें कहाँ हैं इसका खास ध्यान रखें, और कहीं भी हो लेकिन पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में और ईशान के कोने में इनका होना तमाम तरह के तनाव और बड़ी बीमारियों को न्योता देने वाली बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण वास्तु के बारे में आपको बताता हूँ कि सोते समय आपका सिर किस दिशा में होना चाहिए, क्योंकि सोने में व्यक्ति एक लंबा समय खर्च करता है, कहीं ना कहीं 7-8 घंटे का टाइम वहाँ पर बिताता है, और थोड़ा थोड़ा भी अगर दोष बनेगा तो 7-8 घंटे में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो शास्त्र कहता है पश्चिमे प्रबला चिंता, पश्चिम की तरफ सिर करके बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, बड़ी बड़ी चिंताएँ आपको आकर के घेर लेंगी। नंबर दो, उत्तर की तरफ सिर करके भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको उत्तरीय ध्रुव में गजब की चुंबकीय क्षमता होती है, आपका दिमाग खाली हो जाएगा। तो सोते समय आपका सिर या तो दक्षिण में हो या पूर्व में हो, इसका खास ध्यान रखें। आज की वीडियो का मैंने ज़्यादा विस्तार नहीं किया, छोटी छोटी पाँच बातें आपको बताई, मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।